आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत चार खरीदने पर एक मुफ्त है, छूट का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक, बस सिंपल सा आपको क्या करना है, संख्या क्या कि मतलब चार खरीदा जाता है, चार अगर खरीदेंगे तो एक मुफ्त मिलता है, ठीक। तो बस सिंपल सा है, एक मुफ्त मिलता है और चार आप खरीदते हैं, ठीक। तो कुल संख्या क्या हो जाएगी भाई, चार खरीदते हैं आप और एक मुफ्त मिलता है, तो कुल संख्या कितनी हो गई, पांच हो गई कि नहीं? मतलब जो वस्तु जो दुकान से ऑफर दे रहा है, ठीक, कि चार आप खरीदेंगे वस्तु को तो एक वस्तु आपको मुफ्त में मिलेगी, तो उन वस्तुओं की कुल संख्या आप ले लीजिए। मतलब चार संख्या को खरीदोगे और एक मुफ्त मिलता है, तो ये टोटल संख्या आप निकाल लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद आपको परसेंटेज छूट जो है निकालने के लिए आपको क्या करना है कि मुफ्त में जो मुफ्त मिलता है, ठीक, मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या, पांच गुणे सौ, इतना कर देना है। मतलब अंश में आपको क्या करना है, मुफ्त में जितनी वस्तुएं मिल रही हैं उनकी संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या, ठीक, जो मुफ्त में मिल रहे हैं वो भी और प्लस जो जितने वस्तु खरीद रहे हैं आप वो भी, दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने जोड़ा है और गुणे सौ का दीजिए, बस पाँच एक कम पाँच, पाँच दो दस, यहाँ पर कितना आ गया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 20%। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज की वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।